हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी कॉमिक वर्ल्ड में, जहाँ पर मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ स्काईफाई वीडियोस, जिसमें हम देखेंगे और ढूंढने की कोशिश करेंगे कि कॉमिक इवेंट्स आखिर होते क्यों है और उनके पीछे के साइंटिफिक रीजंस पता करने की कोशिश करेंगे। और इस स्काईफाई वीडियोस में आप अपने सजेशंस देकर और अपने टॉपिक बताकर आप इस चैनल पर अपने रिक्वेस्टेड वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम बात करेंगे सुपरमैन के वीकनेसेस के बारे में और ये जानने की कोशिश करेंगे कि सुपरमैन की वीकनेसेस आखिर बनी कैसे और उनके पीछे की साइंस क्या है। हम सभी लोग जानते हैं कि सुपरमैन की एक बहुत बड़ी कमजोरी है क्रिप्टोनाइट, तो चलिए पहले उसके बारे में बात करते हैं। आखिर ये है क्या? हम सभी जानते हैं कि क्रिप्टोनाइट एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है जो कि क्रिप्टोन यानी कि सुपरमैन के होम प्लेनेट से आखिरी बचा हुआ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। और ये सिर्फ सुपरमैन पर ही नहीं बल्कि सारे क्रिप्टोनियंस पर एक जैसा ही असर डालता है। वक्त के साथ क्रिप्टोनाइट के अलग अलग फॉर्म्स डेवलप होते गए। एक फॉर्म उसे सिर्फ सुपरमैन से सिर्फ आम इंसान बना देता और दूसरा फॉर्म उसे एनिमलिस्टिक पावर दे देता। तो फॉर्म्स के साथ उसकी वीकनेसेस और वल्नरेबिलिटीज डेवलप होती गई और फॉर्म लेती गई। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है। सबसे पहले ये इंट्रोड्यूस किया गया सुपरमैन इश्यू 61 में। इसी के साथ लोगों को पता चला कि मैन ऑफ स्टील की भी कोई कमजोरी है और इसी को नाम दिया गया क्रिप्टोनाइट। अगर देखा जाए क्रिप्टन ग्रह का ये आखिरी बचा हुआ टुकड़ा था। तो अब जानते हैं आखिर ये क्रिप्टोनाइट बना कैसे। सुपरमैन का होम प्लेनेट जो कि रेड सन के ऑर्बिट में था वो अर्थ से काफी दूर था और क्रिप्टन अर्थ से काफी बड़ा था, इसलिए उसका ग्रेविटेशनल पुल भी अर्थ से बहुत ज्यादा था। इस वजह से वहाँ के लोग यानी कि क्रिप्टोनियंस वहाँ पर आम इंसान ही थे। लेकिन अर्थ पर आने के बाद अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल और येलो सन की वजह से सुपरमैन सुपर ह्यूमन बन गया और इसी की वजह से सारे क्रिप्टोनियंस यहाँ पर सुपर पावर इस्तेमाल कर सकते हैं। जब सुपरमैन की ओरिजिन स्टोरी शुरू हुई जिसमें काल-एल को एडॉप्ट कर लिया गया एक बच्चे के रूप में और साथ ही साथ क्रिप्टोन के यानी कि उसके होम प्लैनेट के डिस्ट्रक्शन की कहानी आप सभी को पता है और यही वजह है क्रिप्टोनाइट की। कुछ लोगों का मानना था रेड सन का ग्रेविटेशनल फोर्स उस प्लैनेट को अपनी तरफ खींच रहा है और इसी वजह से रेड सन और उनका क्रिप्टोन ग्रह एक दूसरे के साथ एक्सप्लोड हो गए और इसी वजह से रेडियो एक्टिव मटेरियल बाहर निकला जिसे क्रिप्टोनाइट कहा जाता है और ये सभी क्रिप्टोनियंस पर एक जैसा ही असर डालता है। रेड सन, देखा जाए तो रेड सन उसे कमजोर नहीं बनाता लेकिन सारे सुपर पावर्स के अलावा उसे सिर्फ एक आम इंसान बनाता है। जैसा कि हमने सुपरमैन की ओरिजिन स्टोरी में देखा कि वो जिस ग्रह में रह रहा था उसका सन रेड कलर का था। रेड सन की वजह से उसकी पावर्स काम नहीं करती और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि येलो सन की वजह से ही वो खुद को हील और खुद को ताकतवर बना पाता है। इसके अपोजिट अगर रेड सन उसके कॉन्टेक्ट में आ जाए तो उसकी सारी पावर्स चली जाती है और रेड सन उसे सिर्फ एक आम इंसान बना देता है। इस वजह से उसकी एक कमजोरी तो है लेकिन इस वजह से उसे मारा नहीं जा सकता। ये अलग बात है कि अगर उसे आम इंसान की तरह चाकू घोंप कर या फिर गला काट कर मारा जाए तो वो मर सकता है। इस वजह से ये भी एक बहुत बड़ी वीकनेस है सुपरमैन की, मैजिक। मैजिक की वजह से भले ही वो कमजोर ना हो लेकिन मैजिक उस पर ऐसा ही असर डालता है जैसा कि आम इंसान पर पड़ता है, जिस वजह से वो मैजिक के आगे खुद को बेबस महसूस करता है और इसी वजह से ये सुपरमैन की एक बहुत बड़ी वीकनेस है। जैसा कि हमने कई सीरीज में देखा है कि कई मैजिशियंस या फिर कई लोग मैजिक का इस्तेमाल करके उसे हरा चुके हैं या फिर लगभग मार चुके हैं, लेकिन एक सुपर हीरो होने की वजह से वो उस सिचुएशन में भी कोई ना कोई हल ढूंढकर उससे बाहर निकल ही जाता है। आखिर वो सुपरमैन जो है टेलीपैथी, ये एक वेल नोन वीकनेस है सुपरमैन की जो कि ज्यादातर यूज की गई है मार्शियन मैनहंटर वर्सेस सुपरमैन में। अगर देखा जाए तो मार्शियन मैनहंटर की कमजोरी आगे और सुपरमैन की कमजोरी टेलीपैथी और दोनों ही एक दूसरे की कमजोरी का पूरी तरह से फायदा उठाते हैं। जैसे कि हीट विजन की वजह से मार्शियन मैनहंटर जल सकता है और मार्शियन मैनहंटर की टेलीपैथी की वजह से सुपरमैन कमजोर पड़ता है। टेलीपैथी भी मैजिक की तरह उस पर ज्यादा असर तो नहीं डालती या फिर उसकी पावर नहीं छीनती लेकिन टेलीपैथी की वजह से वो किसी के भी कंट्रोल में जा सकता है और खुद पर का आपा खोकर वो ओवर पावर हो सकता है और इसी के साथ वो लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। इस वजह से ये भी एक बहुत बड़ी वीकनेस बन जाती है सुपरमैन की, भले ही ये उसे वीकन ना करे लेकिन ये दूसरों के लिए बहुत बड़ा खतरा है क्योंकि अगर सुपरमैन किसी के कंट्रोल में चला जाए तो उसे एक स्लेव की तरह ट्रीट करके कोई भी दुनिया पर राज कर सकता है और पूरी इंसानियत को तबाह कर सकता है। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और साथ ही साथ अगर आपके पास स्काईफाई वीडियोस के लिए और कोई सजेशंस या फिर और कोई टॉपिक्स है तो मुझे कमेंट करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, एंजॉय द लाइफ, धन्यवाद और जय हिंद।